दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं खेत पर और आज हम दूसरे खेत में आए हैं यहाँ पर इसकी जुताई करने के लिए। तो ये पंजा जो है उस दिन डैमेज हो गया था तो इसको भी रिपेयर करवा लिया हमने। और कल रात को दोस्तों हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है, बारिश की वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो गई है। दोस्तों आज वापस खेत पर आ गए हैं हम और उस दिन हम यहाँ इसको खेत को जुताई करने के लिए आए थे। तो इधर आप देख रहे हैं यही हमने जुताई की थी। इधर ये इतनी वो जो मेड़ दिख रही है वहाँ से और ये बस यहाँ तक। तो उस दिन बस मुश्किल से हमने 5 राउंड निकाले होंगे इससे और वहाँ तक, 5 राउंड ओनली। और फिर बारिश आ गई थी तो फिर हमको जाना पड़ा क्योंकि ट्रैक्टर जब ज़्यादा गीला हो जाता है तो फिर खेत से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर हम घर चले गए थे और आज वापस आए हैं। तो अभी अच्छी बतर आ रही है तो बढ़िया से ट्रैक्टर चल रहा है। तो पसीना पोंछने के लिए मैं लेकर आया था गर्मी से बचने के लिए क्योंकि पसीना भी बहुत आता है गर्मी से, इसको तो गले में टांग ही लेना है। दोस्तों चलते हैं, लग जाते हैं काम पर। दोस्तों प्यास लगाइए मुझे तो मैं पीऊँगा पानी अब। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर बैठेंगे कुएं के पास में और ये हमारा कुआं है। तो अभी तो पानी बहुत नीचे है तो इसलिए हम पानी घर से ही लेकर आए हैं। हमें पता था कि पानी जो है वहाँ पर नीचे होगा क्योंकि गर्मियों में पानी का जो लेवल होता है ज़मीन का बहुत नीचे चला जाता है। तो हम घर से ही ये भरकर लेके आए थे पीने के लिए क्योंकि प्यास तो लगती है। बहुत तेज़ धूप निकल आई है दोस्तों, 12 बज चुके हैं दोपहर के और अभी भी काम हमारा कम्प्लीट नहीं हुआ है, रबी लगा हुआ है। यहाँ से पूरा दिख रहा है आपको अलग ही और ये उस दिन का है थोड़ा सा परसों का। तो इसको हम दोबारा से आज वापस से जुताई करने वाले हैं और रबी लगी गया है इसको जुताई करने के लिए दोबारा से, लेकिन ये हमारा पानी की वजह से दोबारा से करना पड़ रहा है। डबल मेहनत करवा दी पानी ने, उस दिन पानी आ गया था तो इसमें हम छोड़कर भाग गए थे ऐसे ही इसको, क्योंकि हकाई या जुताई बतर में ही होती है तो बतर जो है पानी गिरने से ख़राब हो जाती है, ज़्यादा कीचड़ हो जाता है क्योंकि ट्रैक्टर चलना उसमें पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि पानी भी बहुत तेज़ आ गया था। उस दिन हम लोग भी एकदम जल्दी जल्दी भाग गए, नहीं तो मेरा मोबाइल भी ख़राब हो जाता, पूरा गीला गीला हो जाता और पानी से फिर ख़राब हो जाता। तो हम लोग
ना मैं वीडियो बना पाया उस टाइम पे, कुछ भी नहीं करा और सीधे घर चले गए थे। तो घर का तो देखिए आप कर ही दिया है, तो ये बचा है, लेकिन हम लोग दोबारा लग गए हैं। दोस्तों पूरे खेत की जुताई हम कर चुके हैं और इधर से मौसम भी बनने लगा है पानी का, पर अभी हमारा टाइम है लंच का, तो हम कर लेते हैं लंच। दोस्तों ये हमारा लंच और आज सब्जी है जो मेथी दाना होता है उसकी, और बहुत ही पौष्टिक सब्जी होती है ये, जो पुराने ज़माने के लोग खाते थे, ज्वार बाजरा मेथी दाना, वही है ये मेथी दाने की सब्ज़ी। टेस्ट करते हैं, टेस्टी है। बादल गरजने लगा है, लंच भी कर लिया है हमने और अब यहाँ का काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है खेत का, तो चलते हैं दोस्तों घर। करो स्टार्ट। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर पर और पानी का मौसम भी बिल्कुल बन गया है। हो सकता है कुछ देर बाद बारिश बहुत तेज होने वाली है। तो ये गाड़ी आई है दोस्तों प्याज लेने के लिए। हमारा जो प्याज रखा हुआ था उसको हमने बेच दिया है। और देखिए दोस्तों बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि दिन में काफ़ी उमस थी। अभी प्याज लोड करते लेकिन पानी आ गया, तो अभी ये पानी बंद हो जाएगा, उसके बाद ही प्याज को लोडिंग किया जाएगा। छप्पन लिखा हो छोटी 950।